हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम लोग रिजल्ट से जुड़ी प्रत्येक अपडेट पर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ये सारा कुछ जानने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सेलफोन तक प्रत्येक न्यूज़ आपके यूनिवर्सिटी की पहुँचाई जाती है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर रिजल्ट। जी हाँ, बीकॉम फाइनल ईयर रिजल्ट जानने के बाद हम लोग सेकंड ईयर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बीएड फाइनल ईयर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो रिजल्ट से जुड़ी प्रत्येक अपडेट आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से बीकॉम, जी हाँ, बीकॉम फाइनल ईयर का परिणाम जारी कर दिया गया है। परिणाम करीब 93% रहा है, जैसे कि बीएससी की बात करें तो 98% रहा है और बीकॉम की बात करें तो 93% रहा है और बीए की बात करें तो वो 80% रहा है। तो सबसे शानदार रिजल्ट रहा है आप सभी का। बीकॉम अंतिम वर्ष में करीब कुल मिला के 17,000 परीक्षार्थी थे, जिनमें कि 15,810 परीक्षार्थी जो है सफल हुए। छात्र जो है कल यानी कि आज से अपना रिजल्ट देख पाओगे आप सभी, 12 बजे अपराहन के बाद रिजल्ट देख सकते हो। तो जैसे रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी अपना रिजल्ट जो सेकेंडों में देख पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग एमएएमएससी एमकॉम फाइनल ईयर रिजल्ट। तो हम कोई भी न्यूज़ लाते हैं तो पूर्णतः सत्यता के साथ लाते हैं, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चलाते। तो सारा जो है सारी बात जो है एकदम सच्चाई भरी है, तो उम्मीद करता हूँ बने रहिएगा। बात कर लेते हैं फाइनल ईयर की। तो आप सभी का रिजल्ट जो है इसी सप्ताह प्रकाशित करने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी है, इसमें श्योरिटी हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर सत्यता की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट, जो उम्मीद है 30 सितंबर से पहले प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे जो है बहुत सारे छात्र संगठन के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग, एक हम थोड़ा सा मतलब स्क्रीनशॉट दे रहे हैं किस तरह हुई है। सीसीयू की ओर से जो है हर परीक्षा के परिणाम एक सप्ताह में जारी कर दिए गए, इनमें स्नातक और परास्नातक दोनों ही शामिल हैं। पीजी में एमए एमकॉम आदि के अंतिम वर्ष के रिजल्ट भी जारी होंगे। वहीं बात करते हैं यूजी में, जी हाँ, यूजी में बीए बीएससी बीकॉम में रेगुलर प्राइवेट दोनों या कोई एक की रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सारा कुछ एकदम सच्चाई के साथ बताया जा रहा है आप सभी को, तो आप लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको यानी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। बीएड, जी हाँ, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर या एवं फाइनल ईयर का बात कर लेते हैं। रिजल्ट उम्मीद है 30 सितंबर से पहले आप सभी का प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पॉसिबिलिटी है, सियोरिटी नहीं है, संभावना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और आपके मन में यदि कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपकी इस प्रत्येक समस्याओं को दूर की जाएगी और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो आपके यूनिवर्सिटी वो कॉलेज की न्यूज़ सबसे पहले दिखाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।